मरद चिमनी पर रहते हैं हम लोग, यही करते हैं। अच्छा, मरद चिमनी पर रहता है, तुम यही करती हो? हाँ। अब की चोरी का तू जाई बाजो बारवा ये बलम जी, हमारा के पेठा दो नई अरे भाई ये बलम जी। कहते हम लोग कुछ सामान मांगते हैं, जैसे मन आदमी की चूड़ी फाड़ कमी होगा तो इसी ना मांगेंगे, कहते तुम हमको कमा के दियो कि तुमको देंगे, तो कम तब चुप हो जाते हैं। तुम्हारा पति बोलता है हाँ, पहले पियत रहना, जैसे पापा रहते रहे ना तो पियत रहना, अब ना पियना। अच्छा, पहले पियत दिन से मारा मारी ना लो, छोटा छोटी ना बड़ी हो हैं, कहाँ बड़ी हो? हाँ भी हाँ कोयली, हाँ तो दिन भाग कोयली के करा साथे भाग ली भागीना संग हो रही। अच्छा, भागीना के साथे भाग ली? हाँ, दो जनी मर गन लो, तीन जनी मर गन लो, दो गलाई की नहीं आ, तीन गलाई का मर गन लो, आए गो बापा पांच जनी मर गन, चार गलाई का बड़ा, तीन गलाई की नहीं बड़ी लो। ओहो, ससुर भाई भसुर भाई सब का यही काम करते हैं, केहू बौली नचा रहा है, केस हारमोनिया केहू ढोलक पर नचा रहा है बस। नमस्कार, हम बनी अमरजीत कुमार गिरी रवा देखा तनी भोजपुरिया छोरा भी, हम बानी गोपालगंज में और हमारा साथ में एगो लड़की बिया और घूम घूम के बेचारी बजा बजावे ले और मांगे ले, एकरा से हम बातचीत करम। थोड़ा सुनाओ बनी गाना, थोड़ा सा पुराना गाना दर्द वाला। माता के आचल में तोहरा के पलही, देला गार माई तोहरा देहिया के मलही, अपने न खैली ताके खियावाली, सोचली न कबो तोहर बोराए बबुआ माई बिना जीन गिया दू। दोसर दोसर कैसा न बाड़ी मोरे जानी हो,
हमरा रहत रहली जान बर जुदाई ना सहत रहली अब त हमार बिना देखले सुरतिया होई जल गई से बिहाल हो आ जाए चंदा ले आव खबरिया कैसन बाड़ी मोर जान नजारिया से एक बार मोड़ के कोई दा तुमा पाम के जोड़ा दानी हाथ हो आई अब की चोरी के तू जाई बाजो बार बाये बलम जी हमारा के बैठा दो नई हर बाये बलम जी राय के अकेला राय काये कई लगावाना क्या भोजपुरी बोलती हो बेटा तुम? भोजपुरी नहीं बोलती हो? अच्छा बेटा तुम क्या करती हो? एक करते हैं। बजा बजाती हो? हाँ। तुम्हारा शादी हो गया है? हाँ। अच्छा तो तुम्हारा हस्बैंड क्या करते हैं? मोरे चिमनी पर रहते हैं, ईटा रोल होते हैं। अच्छा चिमनी पर ईटा उटा होते हैं तुम्हारे पति? हाँ। तुम भी चिमनी पर रहती हो? हाँ। अच्छा तो ये बाजा लेकर के घूमती हो? तुम्हारा तो उम्र बहुत कम लग रहा है। हाँ। कितना साल उम्र है तुम्हारा? अब पता नहीं है, हम मम्मी पापा जानते हैं। तुम्हारा उम्र तो हमको लगता है 13-14 साल उम्र है तुम्हारा। हाँ। 13-14 साल की उम्र में तुम शादी कर लियो तो कितना मिल जाता है तुमको ये बाजा बजा कर? 200-300 मिल जाए रोज। कब 400 को मन 500 मन बड़न बाजार रहता है मन 500-600 मिल जाता है और छोटन बाजार में 200-300 मिलता है इसीलिए। अच्छा तो पढ़ी लिखी हो तुम? हाँ बस पाँच के। पाँच तक पढ़ी हो? पाँच के आगे नहीं पढ़ी। अच्छा तुम्हारा नाम? नाम क्या बेटा? सविता नाम है। सविता, सविता तुम मतलब ये कितना दिन से कर रहे हो सविता? सबसे जब से शादी हो तब से। कितना साल पहले शादी हुआ सविता? हो गया 2 साल हो गया। 2 साल से हो गया। तो तुम्हारा पति तुमको कमा के नहीं खिलाता है? नहीं है? नहीं। क्या बोलता है पति तुमको? कहता हम कुछ सामान मांगते हैं जैसे मैं चूड़ी फाल कमी होगा तो इसी ना मांगेंगे। कहता तुम हमको कमा के दियो कि तुमको देंगे तो तब चुप हो जाते हैं। तुम्हारा पति बोलता है तुम कमा के पति को देती हो? मतलब रोज कमाती हो तो पति को दे देती हो? रोज का कमाई पति ले लेता है? अच्छा पति ले लेता है उसके बाद तुमको चूड़ी उड़ी खरीद के देता है? नहीं देता है ना। तो फिर कैसे तुम रह रही हो? खाना कौन बनाता है तुम्हारे? तुम बनाती हो? खाना बना के पति को खिलाती हो? अच्छा बच्चे भी हैं तुम्हारे? कितना साल पहले शादी हुआ था बताई थी? 2 साल। 2 साल पहले शादी हुआ। अच्छा आदमी मौरत चिमनी पर रहते हैं हम लोग यही करते हैं। अच्छा मौरत चिमनी पर रहता है? तुम यही करती हो? हाँ। अच्छा गाड़ी उड़ी में भी घूम के ये सब करती? हाँ, ट्रेन में घूमते हैं। ट्रेन में घूम के घूमती हो? हाँ। अच्छा तो क्या ये मतलब कि तुम्हारे परिवार में ये सब लोग यही करते हैं? हाँ, सब लोग यही करते हैं। यही करते हैं? हाँ। पढ़ाई लिखाई कोई नहीं करता है? नहीं। कहाँ की रहने वाली हो सविता तुम? हमारे भटनी घर है। अच्छा उत्तर प्रदेश की रहने वाली हो? अच्छा तो उधर तो भोजपुरी बोला जाता है ना? हाँ। तो भोजपुरी नहीं बोलती हो? और ससुराल है तो अथी है अब भोरे कटिया पड़ता है। अच्छा ससुराल भोरे कटिया है? हाँ। भटनी नैयर है? हाँ। भटनी तुम्हारा नैयर है? हाँ। तो पति क्या पीता है? शराब भी पीता है? हाँ पहले पियत रहना जैसे पापा रहते रहे ना तो पियत रहना अब ना पिए ना। अच्छा पहले पियत रहे? हाँ। ना पियत रहे ना मारे ले तुम कहा कहलिए उसकी चूड़ी उड़ी ना ले आके दे हमरा के कपड़ा ना दे ले आके। अच्छा कितना दिन से ते नहले नहीं किसी बता पहले को दिन हो गए नहले सच बताइए? परसों के नहले आए? हाँ। सच बताओ ना हमरा साची में। तो 3 दिन हो गए तोरा नहले? हाँ जा अभी जा छुट्टी मिली साड़ी कितना दिन हो गए धोले तोरा बताओ? छुट्टी मिलेगा तब ना के छुट्टी बतोरी अपन काम है कोनो सरकारी नौकरी करता रही ना मन गानी जैसे छुट्टी ला तनि बर्तन तन कमाई मन घर और बाहर लथि करला ओकर फेन जाला त मन संग संग मिला दवाई देला ईटा पर टम टम पर ला दवाई देला धरू धुरा माटी लगबे करेगा
बिना तो नहीं लगेगा, वो ना थोड़ा फ्रेश रहे। तो सोरिया कितना दिन का धोल भाई? एक महीना पहले का धोल नहीं। अच्छा नहाए के चाहिए, ठीक बा, काम जोन भी करता रहे, नहाए के चाहिए, धोए के चाहिए, साफ सुथरा रहे के चाहिए का। हाँ। तो तू बताओ, इतना कम उम्र में शादी कर लो, तर भाई तर मम्मी पापा कर दला शादी? हाँ। माई बाप कर दला शादी? कब बहन बड़ी? पांच बहन एक भाई। पांच बहन बड़ी, एगो भाई? हाँ। बाबूजी माई का करेला? बाप माई कमाते हैं। कहाँ? बनारस में रहते हैं। बनारस में रहला लोग? हाँ। तोरा के मरद चिमनी पर लेकर रहला? हाँ। तो चिमनी वाला रूम में रहला लोग की कोई बाहर रहला लोग? मनो जैसे चिमनी वाला तो रूम देगा तो उसी में न रहेंगे, चिमनी वाला रूम में रहता है लोग। हाँ। तो चलो सविता, तो देख सकते हैं कि अभी भी जो है क्या हालात है अपने यहाँ का, चाहे बिहार के ले लीजिए, उत्तर प्रदेश के ले लीजिए। देखिए 12-13 साल इसका उम्र है, उससे ज़्यादा उम्र नहीं है, ज़्यादा होगा तो 14 साल इसका उम्र है। 14 साल की उम्र में ये, 2 साल पहले की शादी हो गई है इसकी बता रही है। और देखिए कि ये तबला लेकर के, ढोलक लेकर के गांव में घूमती है। देखिए साड़ी, अभी थोड़ा सा कैमरा में चम दिखाइए, ये मतलब कि लगता है ये कह रही है कि हम परसों का नहाए, लेकिन देखिए तीन मतलब को लग रहा है कि महीना से ज़्यादा हो गया इसका साड़ी धुलाए हुए। और ये सविता है और बहुत गरीब परिवार से बिलोंग करती है, पढ़ी लिखी नहीं है, मम्मी पापा इसका शादी कर दिया समय से पहले, 5 बेटी है और 1 इसके भाई है ना, 1 भाई है, और कहीं ना कहीं गरीब परिवार है, इसलिए हो सकता है कि इसके पिताजी शादी कर दिए। चलो तो तुम समझाती नहीं हो पति को कि ये मत पीजिए? हाँ मैं उल्टे मारे लगा ना। तोरे के मारे लगल है? समझावे लिस्त कि मत पियो। तो तोरे के मारे लगल है? कैसे मारे ले? मुका से मारे ले? डंटा से? डंटा से मारे ले? डंटा से भी मर्द मारे ले। देखिए कि 12-13 साल 14 साल उम्र बा, और एकरा ऊपर विशेष रूप से जो अभियान चलता रहे तमाम NGO के तरफ से चाहे सरकार के तरफ से, ऊपर विशेष रूप से लोग खातिर अलग से व्यवस्था करे के चाहिए। क्या कि देखिए जैसे कि बताओ दिया कि हमारे पूर्वज लोग यही कोई लेवा, हम ये तुम्हारे पूर्वज खानदान सब यही किया है ना? हाँ। इसी काम में सब रहा है? हाँ। सास ससुर भाई भसुर भाई सबके यही काम करते हैं, केहू बौली नचा रहा है, केस हारमोनिया, केहू ढोलक पर नचा रहा है बस इसीलिए। अच्छा, तो सर्कस सर्कस में बंदर उंदर लेके आवला लो? ना, खाली हारमोनिया कठपुतली। हाँ, ससुर ना चाहता। हाँ, ससुर नहीं, ससुर मर गया, अब भसुर ना चाहते लोग, भसुर भी कठपुतली ना चाहता है तबला पे। अच्छा, तो ये पूरा परिवार भाई में, लेकिन बहुत ये खराब बा कि 13-14 साल की उम्र में बेटी के लड़की के शादी हो गई सविता के, और एक काम में भी तो अकेले घूमे लिस्ते हैं ना? लेको खड़ा लग जा, छोटा छोटी ना बड़ी मतलब की भसुर बड़े शादी होती कैले है कि ना कैले? भसुर मर ना तो भाग गेले। भसुर मर गए ना तब भाग गेले। अच्छा, भसुर मर गए हैं तो भाग गए भगने के साथ? हाँ। लेको फेंकवा कहाँ बड़े सुन? हम देख लग रहे ना लो। ओ, तो तोर मरत रख ले बड़े? बुढ़िया में रख ले बड़ी। अच्छा, बुढ़िया रख ले बड़ी तोर सास? हाँ। अच्छा, एको भाई तोर पति लो? सात भाई। तोर पति सात भाई? सात भाई रन लो तो बचलो 4 जने, और मर 5 दो जने मर गए ना लो। ओ, 3 जने मर गए ना लो, दू गो लइकिनिया आ 3 गो लइका मर गए ना लो, आ एगो बपाऊ, 5 जने मर गए ना, 4 गो लइका बड़ गए, 3 गो लइकिनिया बड़ी लो। ओ हो, तब भाग के कहाँ गए बिया जन बिया इतिए तो एनिया बाड़ी लो कोई गोरखपुर में? तू का करे ले उहे ढोलक बजावे ले का? हां, वो भी ढोलक बजाती है। हां, जन भागल बिया तनो ढोलक के बजावे। हां, चल, ते कुल मामला कुल बात है। और तो चलिए, बहुत-बहुत धन्यवाद।